तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने. वैक्सीन लगवाना स्टार्ट हो गया है 18 साल से ऊपर के लिए. तो प्लीज़ आप जो भी 18 साल के जो भी ऊपर हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए वैक्सीन लगवाना. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी के लिए. सो अभी हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने. और जो नज़दीकी आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल है, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन लग रही है, तो आप लोग जाइए 18 प्लस वाले, और हम भी जाके लगवा के आते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा रहता है हमारा रिव्यू वैक्सीन को लेके. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना सब. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, सिर्फ मैंने पिक ही क्लिक करी है. हाँ जी, तो हम आ गए हैं वैक्सीन लगवा के. और बताऊँ, पहले तो मुझे डर लग रहा था वो इंजेक्शन देख के ही. तो ऑब्वियसली यार, डर लगता है इंजेक्शन देख के. लेकिन मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला मुझे. बस डॉक्टर ने सर से मतलब होता ना कि बस थोड़ा सा पकड़ा कि भाई स्टार्ट करें हम लगाना. बस मुझे ऐसा लगा कि बस यूं ही बिल्कुल सिंपल सा. डर रहते और मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ. लेकिन खैर, ये जरूरी था, सो हम करवा के आ गए हैं. और हमने वैक्सीन लगवाई है, कोविड शील्ड की फर्स्ट डोज हमारी लगी है. अभी तो टाउन है यार. तो हमने कोविड शील्ड वैक्सीन लगवाई है, उसकी फर्स्ट डोज लगी है हमें. और जो सेकंड डोज है वो एक या डेढ़ महीने के बाद में लगेगी, कभी भी जाके हम लगवा सकते हैं, उन्होंने कहा है. तो सेकंड डोज भी हमें कोविड शील्ड की ही लगेगी. तो जब लगवाने गए थे तो वैसा लगा था, और पता नहीं कितना बहुत, मतलब एक डर लगा था, खौफ था मन में कि लगवाने नहीं चला. मतलब कि बिल्कुल पता नहीं चला, पता नहीं चला कि अरे वैक्सीन लग भी गई, अरे उन्होंने लगा भी दी. यार चलो बढ़िया है यार. हाँ ठीक है. उसके बाद में अभी उन्होंने जैसे कहा है कि हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, या कोई ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमें मेडिसिन भी दिए हैं. लेकिन अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन देखते हैं 24 आवर्स में शायद ऐसे कुछ सिम्टम्स हो. लेकिन उसके लिए मेडिसिन हमें मिली है, दी है उन्होंने. तो लेकिन अभी तक तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं. और मैं तो सबको ये कहूँगा कि आप सभी जाइए, जो भी 18 प्लस में यंगस्टर हैं, आप लोग जाइए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए. गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब जगह जो है वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो जाइए. और क्योंकि जब तक अपन सब वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोविड जो है जिस मुकाम पे पहुंच चुका है. बहुत गंदे केसेस हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह की बहुत गंदी सिचुएशन हो रखी है. तो ठीक है, सभी जो भी हैं आइए 18 प्लस और वैक्सीन लगवाइए. इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमने भी लगा के आए. चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर. हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम का वक्त हो रहा है और अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं हम दोनों. और दिन में थोड़ी सी मतलब तबीयत ख़राब थी हम दोनों की, थोड़ा फीवर था, बॉडी पेन भी था. और जिस हाथ पे लगाया था इंजेक्शन, सॉरी वैक्सीन, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है. लेकिन हाँ, अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं. एक दिन रहेगा फीवर और बॉडी पेन और सर दर्द, हमें भी था और अभी भी है. उनका सर दर्द है अभी भी और वीकनेस भी काफ़ी लग रही है, लेकिन ये कोई बहुत बड़े सिम्टम्स नहीं हैं. तो डॉक्टर्स ने भी कहा था वहाँ पे कि थोड़े बहुत सिम्टम्स रहेंगे फीवर के, सर दर्द के, वीकनेस के, तो एक या दो दिन रहते हैं, नहीं है वीकनेस थोड़ी बहुत. लेकिन दिन से बेटर, दिन में फीवर था तो हमने रेस्ट किया और दिन से अभी फीवर है नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन वीकनेस होने के बाद जो है बॉडी पेन अभी भी फील हो रही है. लेकिन हाँ, यह है कि वो कल तक जो है बिल्कुल हम ओके हो. एक चीज़ और मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि जो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, और उससे पहले अगर कोशिश करिएगा कि अगर आप ब्लड डोनेट कर सको तो वेल एंड गुड रहेगा. क्योंकि वैक्सीन के बाद में आप जो है ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं. और हमने नहीं किया, मतलब तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है अभी कि हमने इतना ध्यान नहीं दिया था कि भाई हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए और भूल गए थे और पहले ही वैक्सीन लगवाया. मैं करता रहता हूँ और अभी जब वैक्सीन के बारे में पता चला था कि डिपेंड करता है वैक्सीन कौन सा लगवा रहे हो. अगर आप कोवैक्सीन लगवा रहे हो तो 56 डे के बाद में ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हो. कोविशील्ड लगवा रहे हो तो 76 डे के बाद में ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हो. और जितना हो सके प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि अभी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है. आप देखते ही होंगे न्यूज़ वगैरह में कि मतलब ऑक्सीजन और ब्लड की कितनी ज़्यादा कमी है. तो प्लीज़ जितना हो सके ब्लड डोनेट कीजिए. 18 प्लस अगर यंगस्टर्स जो भी है सारे, अगर
वैक्सीन लगवा लेंगे, और अगर किसी को जरूरत पड़े ब्लड की क्योंकि रिसेंटली अभी फ्रेंड्स की कॉल आए थे जैसे, तो उन्होंने जैसे उनके मदर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बट सिचुएशन ये थी कि जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल हैं उन सब ने ऑलमोस्ट लगवा ही लिया था मतलब वैक्सीन, तो थोड़ा सा हमें वो चीज़ फील हो रही थी कि काश हम पहले जो है इस चीज़ का ध्यान रखते और पहले ही ब्लड डोनेट कर चुके होते और फिर हम वैक्सीन लगवाते तो ज़्यादा बेस्ट होता। तो आज जब ऐसा हुआ कि किसी को मतलब ब्लड की ज़रूरत थी और हम नहीं दे पाए, इनफैक्ट हमने अपने पूरे सर्कल में जो भी हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल था उसमें हमने सब मतलब पूछा, तो इनफैक्ट सब ने ही लगवा ली थी वैक्सीन, तो पता नहीं अभी एक दो हैं जिन्होंने अभी नहीं लगवाई और थोड़ा सा ब्लड की जो है मतलब सुविधा हो गई है, लेकिन फिर भी हम दोनों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ जितना हो सके अपना जो ब्लड है डोनेट ज़रूर कीजिए। और ब्लड डोनेट करने के बाद में ही आप जो है वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद में आप मिनिमम 2 महीने तक आप डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, और जिनको भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अगर किसी को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप जितना हो सके पहले आप जो हैं प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि मतलब उनकी जो इम्यूनिटी पावर है थोड़ी सी कम होती है, तो पहले यही कहेंगे कि जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, तो इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सा बुखार आता है और कुछ भी नहीं, डिपेंड करता है हर किसी की बॉडी में नहीं आ रहा, बुखार आता है, बुखार आता है, हर किसी को बुखार नहीं आता है, हर किसी को नहीं आ रहा, सभी आप जने जो भी 18+ हैं आप अपने जो भी पास में डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या जो भी स्वास्थ्य केंद्र है किसी के पास में या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन प्राइवेट में भी हो गया सब जगह चल रहा है। और वैक्सीनेशन से पहले आप जो भी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या तो आप कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए या आरोग्य सेतु ऐप से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ पे अपने फ़ोन नंबर डाल के OTP और बेसिक इन्फॉर्मेशन और आधार कार्ड जो भी आपका आईडी कार्ड है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो फिल करके, और आपको जो है डेट और टाइम और जो प्लेस है वो आपको आपके फ़ोन पे आपको SMS के थ्रू आपको आ जाएगा आपके पास में, और जो भी आपको डेट टाइम आपके पास में आया है उस डेट और टाइम पर आप उस जगह पर जाइए और वहाँ पर वैक्सीन का जो भी वैक्सीनेशन का जो काम रहेगा वो हो जाएगा। बाय एंड टेक केयर।